आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 7 स्विचर, एक रेगुलेटर है और यहाँ हमारे पास एक भी सॉकेट नहीं है और हमें कोई भी प्लग लगाना पड़ता है तो गैज वहाँ पे हमारे में परेशानी आती है, हमें कहीं और जाकर लगाना पड़ता है। तो गैज इसीलिए हम यहाँ पर आज एक सॉकेट लगाने वाले। अब समस्या ये है कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी स्विच है वो सारे काम के हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक स्विच के ऊपर 2 लाइट को करने वाले हैं और 2 स्विच निकाल के गैज हम यहाँ पर एक सॉकेट लगा देंगे और इस सॉकेट को हम डायरेक्ट रखेंगे, क्योंकि सॉकेट का अगर हमने एक स्विच लगाया तो हमें और पॉइंट्स घटाने पड़ेंगे। तो चलिए इस के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि आप किस तरीके से सॉकेट को लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमें इस बोर्ड को खोल लेना है गाइज। हमने इस बोर्ड को खोल दिया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इसके अंदर से मेन फेस वाले वायर को निकालना है। हमें इसमें ट्रैक करना है हमारा मेन फेस वायर कौन सा है। तो स्विच के हमेशा नीचे से पॉइंट वायर निकलता है जो हमारा फेस होता है, तो ये जो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारा ये मेन फेस है और इसमें करंट आ रहा है हमारे टेस्टर में भी, तो ये हमारा मेन फेस है। इस मेन फेस को हम यहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें जहाँ सॉकेट को निकालना है लगाना सिर्फ हम सिर्फ वहीं से निकालेंगे इसको। तो यहाँ मैं अपना नीचे में सॉकेट लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ नीचे वाले कनेक्शंस को हम निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो मेन स्विच ऑफ करके भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन हूँ तो मुझे मेन स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देख सकते हैं आप हमारे ये 2 स्विच है गाइज, इस स्विच के ऊपर जो पॉइंट है इसे हम किसी दूसरे स्विच के ऊपर डाल देंगे। पहला ये पॉइंट है हमारा, हम इसे किसी दूसरे स्विच पे डाल देंगे। तो गाइज ये दूसरे वाले पॉइंट्स को हम इस वाले स्विच के साथ कनेक्शन कर देते हैं। इन दोनों वायरों को हमने एक साथ कर दिया, अब हमें इसे वापस स्विच में लगा देना है। तो ये हमारा एक साथ 2 लाइटें हो गई और अब हमारे ये दोनों स्विच खाली हो गए गैज, अब इन दोनों स्विच को हम बाहर निकाल सकते हैं। सो गैज हमने इन दोनों स्विच को निकाल दिया है, अब हमें क्या करना है, अब इसके बदले हमें सॉकेट लगाना है। इस सॉकेट को हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये हमारा सॉकेट लग गया, अब हमें इसमें डायरेक्ट फेस डालना है। ये जो हमारा इसमें करंट है हम इसी को इसमें डाल देंगे। आज हम इसे उसमें लगाएंगे जहाँ हमारे सॉकेट पे L लिखा हुआ, जहाँ आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास सॉकेट पे L लिखा हुआ है, तो हम यहीं पे इस वाले फेस को लगाएंगे। सो गाइज हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर फेस लगा दिया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ न्यूट्रल लगाना है। यहाँ न्यूट्रल लगाने से पहले मैं एक बार इस स्विच के अंदर से फेस निकाल लिया था हमने, जो गाइज इस वाली लाइन में हमारे जो फेस था, तब ये रेगुलेटर वाले जो हमारा पंखे का स्विच है उसमें से फेस निकल गया था, हम इसमें फेस लगाएंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ कहीं से एक वायर को लूप करके इसके अंदर फेस लगा देते हैं। ये हमारा अर्थिंग भी है, यहाँ पर पहले से ही अर्थिंग मौजूद है, पहले यहाँ पर अर्थिंग आया होता है तो हम अर्थिंग भी लगा देंगे। अर्थिंग हमारा सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट्स में लगता है, इस वाले में हमारी अर्थिंग लग गई। अब हमें यहाँ से न्यूट्रल निकालना है गाइज, तो ये हमारा न्यूट्रल है यहाँ पर जो हमारा ब्लैक कलर का वायर आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर के वायर के साथ ये ब्लू कलर का वायर लूप होकर पीछे वाले बोर्ड में जा रहा है न्यूट्रल, तो हमें यहाँ से इसको न्यूट्रल निकालना है। उसके लिए हमें एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी लूप करने के लिए, हम इसे टेप खोल लेते हैं यहाँ से। सो गाइज ये हमारा न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल में हम अलग से अपना एक वायर जोड़ लेते हैं जो हमारे सॉकेट में भी करंट पहुँचा दें। तो हम सबसे पहले यहाँ सॉकेट में इस वायर को जोड़ेंगे। सो गाइज हमने इसके अंदर अपना न्यूट्रल के लिए तार जोड़ दिया, अब ये दूसरा जो वायर है हमें इसे कट करके इस वाले वायर के अंदर जॉइंट मार देंगे जो हमारा मेन न्यूट्रल है। न्यूट्रल में करंट नहीं होता है तो हम इसको हाथ से भी काम कर सकते हैं यहाँ पर। सो गाइस ये पूरी तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हमारा ये सॉकेट लग गया, अब हम इस बोर्ड को टाइट कर देते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा बोर्ड चल रहा है नहीं चल रहा है। सो गाइज हमने इस बोर्ड को टाइट कर दिया, अब हम इसे चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्लग लगा रहे हैं, ये प्लग लगाते हैं अगर हमारी ये लाइट जली तो समझ जाइए कि हमारा ये सही है, क्योंकि ये डायरेक्ट है, हमने इसका स्विच नहीं लगाया तो डायरेक्ट ही चल जाना चाहिए ये।
तो आप देख सकते हैं हमारी लाइट जल गई है और ये हम निकाले इसकी लाइट बंद। ये तो इस तरीके से आप भी अगर आपका कोई स्विच बोर्ड है जिसके अंदर आप अलग से सॉकेट लगाना चाहते हैं या स्विच लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं गाइज़।